दिस इज माई लंच. नहीं, एक कलेक्शन दिखा देती हूँ जो इज माई मैरिज का बनारसी. महीने में दो साड़ी तो मेरे को मम्मी को देना ही है. इसको मैंने बैठाया था, ये उतर गई. 5 महीने की हो गई आज. आशवी, हैप्पी 5th birthday बेटा. आपका तो बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुआ आज. हैं जी, नहीं हुआ, गुस्सा हो इसलिए नाराज हो. अरे भाई, ठंडी लग जाएगी. गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग. आज मैं शाम से व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि दिन भर में थोड़ा बिजी थी. मैं वीडियो शूट कर रही थी, ये वाला मेकअप लुक शूट किया, रिवर्स आई मेकअप. प्लस सुबह मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं आपको बता नहीं सकती. लिटरली मासी करने लगी. ये देखो, जरा गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है. बैठ से ना गिर जियो. सो आज सुबह बेसिकली क्या हुआ, 2-3 दिन से मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो रखा है, तो मुझे बहुत यू नो पेट में दर्द हो गया था. आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग वेल, बिल्कुल भी. बहुत वीकनेस सी फील होने लगी और मेरे को आज सुबह से बड़ी छींकें आ रही है. आई डोंट नो व्हाई, सर्दी सर्दी सी फीलिंग हो रही है और छींकें आ रही है अगेन. उसकी वजह से भी बहुत इरिटेटेड थी. दोपहर में फिर मैंने ये वाली वीडियो बनाई, फिर मैंने उसको शाम में एडिट करी और फिर पोस्ट करा. उसके बाद मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट किया जाए, बिकॉज आज का दिन थोड़ा स्पेशल है ना. आज आशु बेबी 5 मंथ्स का हो गया, 5 मंथ्स का हो गया देखते देखते. वैसे तो माशवी का हर महीने बर्थडे मनाते हैं, आज नहीं मनाया बिकॉज आज 13th है और 15th को आयुषी यानी कि मेरी बहन और मेरे पापा आ रहे हैं. सो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम सब साथ में इसका बर्थडे मनाएंगे. हर महीने में इसका बर्थडे मनाते हैं ना. सो यू गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है. कल मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है. मैंने परसों ठंडा पी लिया था इसलिए, एंड थोड़ी सर्दी भी हो रखी है. बाय द वे, हम लंच कर रहे हैं. राज, व्हाट आर यू हैविंग फॉर लंच? सब्जी, सैलड एंड राइस एंड दाल. एंड यू गाइज नीड टू सी व्हाट आई एम हैविंग फॉर माई लंच. दिस इज माई लंच, दिस इज माई सैलड बोल, जो मेरा इस वीक के डाइट प्लान का डाइट है. इसमें किनवा है, देन चिक पीज है, देन मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं ये सब खाने वाली हूँ एंड ये सब खा के मेरा पेट भर जाएगा एंड मैं ये सब खा के जी पाऊँगी, बट आई हैव रियली स्टार्टेड इन्जॉइंग. बड़ा हल्का फील होता है एंड फील्स वेरी वेरी नाइस. बहुत टेस्टी है, कोई मसाला नहीं है इसमें. सिंस आई एम ऑन नो ऑयल डाइट, सो इसमें ऑलिव ऑयल भी नहीं है. बड़े यम्मी. एंड मेरी प्यारी सी बुबू सो रही है. आज वी आर स्लीपिंग, वी आर हैविंग अ लंच. नाउ आई नीड टू गो अहेड एंड रिमूव माई हेयर. सो आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू प्रोडक्ट टुडे फॉर दैट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल वीडियो. लेट मी हैव माई लंच and then we are going to do a quick pamper sesh for myself. So yeah, that's it. Okay you guys, so अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लेके आई वॉज फिल्मिंग सम कॉन्टेंट एंड मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मेरे हैंड पे भी काफ़ी हेयर है. एंड मैं सोच रही थी कि मैं एक फुट स्पा या कुछ ऐसे मतलब हैंड मैनिक्योर और पेडिक्योर का यू नो रिलैक्सिंग पैम्पर रूटीन बनाओ. मुझे रियलाइज हुआ एकदम से कि आई हैव क्वाइट सम हेयर ऑन माई हैंड्स एंड यू नो जब जूम इन करके कैमरा को दिखाऊंगी तो इट वुड नॉट लुक नाइस. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना हेयर रिमूवल कर लूँ. सो पर्सनली वैक्सिंग तो पॉसिबल नहीं था, आई डोंट लाइक इट एज मच. एंड पहले के टाइम पे यू नो उपटन बनाते थे होम मेड जिससे यू नो हेयर रिमूव होता था बहुत पहले, बट अब तो वो पॉसिबल है नहीं. मैं कोई ऐसे क्रीम्स भी यूज़ नहीं करती हेयर रिमूवल वाले बिकॉज उससे मेरी स्किन में काफ़ी इरिटेशन होती है. एंड यू मस्ट हैव नेवर सीन मी कि यू नो मैं हेयर रिमूवल क्रीम ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ज़्यादा क्या, मैंने तो सालों से यूज़ नहीं करी है. एंड मतलब शेविंग के बारे में भी मैं यही बोलती हूँ कि बॉडी हेयर शेव करना मैंने बंद कर दिया है बिकॉज उसके बाद बहुत फास्ट ग्रोथ होने लगती है एंड बहुत पोकी पोकी ग्रोथ आती है स्पेशली इन द अंडर आर्म्स. सो मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग. मामाअर्थ हैज लॉन्च्ड एन अमेजिंग प्रोडक्ट, मैंने सोचा इसको ट्राई कर लेती हूँ बिफोर आई जस्ट शूट माई पैम्पर रूटीन, ताकि यू नो एक अच्छे से हम टेस्ट भी कर लेंगे प्रोडक्ट को और छोटा सा आपको रिव्यू भी दे देंगे. सो नेचर हैज एन आंसर टू एवरीथिंग एंड मामाअर्थ ने अपना उपटन नरिशिंग हेयर रिमूवल किट लॉन्च किया है. नाउ वी आर गोइंग टू क्विकली अनबॉक्स इट एंड वी आर गोइंग टू ट्राई इट ऑन कैमरा.
सो बेसिकली विदाउट एनी हैसल आई कैन रिमूव माई बॉडी हेयर एंड इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू माई स्किन. सो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं. एयर रिमूवल क्रीम विथ टर्मरिक एंड सैफ्रॉन. सो ये क्रीम है एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रीक्ड एंड वेरी एक्साइटेड टू सी दिस कि इसके साथ एक हेयर वैनिश जेल भी. इट्स अ वैनिश जेल विच विल डिले द होल प्रोसेस ऑफ हेयर ग्रोथ और इसके साथ एक स्पैचुला भी है इसके अंदर. नाउ ये 7 मिनट में हेयर रिमूव कर देता है. लेट्स ट्राई इट नाउ. वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेल यू गाइज दिस दैट दिस इज मेड अप ऑफ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट. ओके मेरे हैंड में मुझे यहाँ पे काफी मतलब मेरा ग्रोथ काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आई कैन सी हेयर ओवर हियर. यू कैन ऑल्सो सी आई बिलीव. तो यहाँ पे बहुत हेयर है, छोटे ही सही बट काफी हेयर है. तो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट. माई ग्रोथ इज रियली लेस तो आपको बहुत ज्यादा हेयर नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे हेयर है. लाइक आई डोंट नो कैमरा कितने अच्छे से पिक करेगा, बट यहाँ पे भी हेयर है, यहाँ पे भी काफी हेयर है. सो वी वांट टू अप्लाई दिस. सो ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, लाइक टर्मरिक, विच मेक्स द स्किन ग्लोइंग, कीप्स इट कूल. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर. सो हेयर के ऊपर लगाऊंगी तो बहुत अच्छा हेयर नजर आ रहे होंगे अच्छे से. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप वेरी वेरी यू नो रियल रिव्यूज की भाई सच में हेयर है एंड वी गोइंग टू सी की कितने अच्छे से रिमूव हो रहा है ये. इसमें कोकोनट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है विच कीप्स द यू नो स्किन वेरी वेरी हाइड्रेटेड एंड कूल. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई आर्म्स एंड सी कि कैसे जो है हेयर रिमूवल होता है. बड़ा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है एंड बिल्कुल जो मामाअर्थ का स्टेपल उपटन वाले रेंज में जो फ्रेग्रेंस होती है वही सेम फ्रेग्रेंस इस रेंज में भी है. इंडियाज फर्स्ट मेड सेफ हेयर रिमूवल क्रीम विद द हेयर वैनिश जेल एंड अ वुडन स्पैचुला. इट मेक्स द स्किन 3x सॉफ्टर एंड डिलेज द हेयर ग्रोथ. नाउ एप्लीकेशन हो जाए उसके बाद वी आर गोइंग टू मैं पहले इतना सा एरिया टेस्ट करने वाली हूँ एंड देन आई एम टू अप्लाई इट ऑन माई होल आर्म. तो अभी के लिए जो है आई एम जस्ट कीपिंग द क्रीम. Let's turn out the timer for like 7 minutes. अब हम 7 minutes तक वेट करेंगे. Now our 7 minutes are almost done. So yeah, 7 minutes done. So just pause the stopwatch. Wow, all of the hair that was there is removed, and I would like to show you on the spatula. You can see hair. You know, I really want to keep the reviews as real as possible. It feels even tone and smooth. Sara jo hair tha, it's all gone. And abhi fatafat main hair vanish gel laga leti hu. Quickly going to massage it. And bilkul bhi koi itching ya redness nahi hai. Sare hair jo hai remove ho gaye mere arm se. Bilkul soft silky skin ho gayi hai. You can see that. Jitne bhi hair the, everything is gone. I'm going to try it on my underarms tomorrow. I don't want to show it on camera because underarms I am not really comfortable in showing. On camera, तो मैं कलंडर आर्म्स में भी ट्राई करने वाली हूँ. गुड. नाउ व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट और द ऐप, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. सो 2025 तक दे आर प्लांटिंग 1 million ट्रीज विच इज अमेजिंग. सो यू नो दैट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय मामाअर्थ. नाउ मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी, सो दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज. सो करेंटली एट दिस टाइम दे आर रिसाइकलिंग 120 मेट्रिक टन प्लास्टिक एवरी सिंगल मंथ एंड 1 मेट्रिक टन इज लाइक 1000 kg. सो 20 metric tons is like a lot of plastic that they're recycling. So again, this is very very good because I have not seen any other skincare brand doing so ki aap jitna plastic use kar rahe ho usse zyada aap recycle kar rahe ho. Any which ways, you can purchase any of the Mamaearth products from their app or their website, which is www.mamaearth.in, and use my code on the app or the website GOSH2021 and get flat 20% off on your order. We sell products Nykaa, Flipkart, Amazon pe bhi mil jayenge. So right now I'm going to shoot my video. I'm going to remove my nail paint and do a pamper routine. I'm sitting with my nail polish remover too. So थोड़ा सा pamper करूँगी. Nails काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं और मैं बहुत मतलब excited हूँ कल के लिए. दो मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं और आज मैंने सिर्फ short video ही अपलोड किया. कल ही आपको ये video देखने को मिलेगी. But मैंने डोलो 650 खा के काम चला लिया. सो अभी के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, देन मैं वीडियो शूट करूंगी एंड देन आई हैव टू क्लीन ऑल माई अलमीराज बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं. मैं इतने क्लोथ्स खरीद रही हूँ, अभी बर्थडे के लिए भी राज ने मुझे ड्रेस खरीद के दी है. सो और मैंने कुछ ज़ारा से शॉपिंग करी थी तो वो भी है. सो मैं वो ज़रूर आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी. सो मैंने कुछ कपड़े लिए वेबसाइट से एंड ज़ारा से एंड अपना बर्थडे ड्रेस लिया. एक डिज़ाइनर पेज है अलाया बाय स्टेज 3, वहाँ से. तो उसका कुछ साइजिंग इशू हो गया है तो मैंने उसको रिटर्न के लिए डाला एक्सचेंज के लिए. तो आई होप कि वो भी एक्सचेंज टाइम से आ जाए. सो अभी मैं जा रही हूँ
अपना अलमीरा क्लीन करने, फिर मैं आपको मतलब शूट करके जा रही हूँ अलमीरा क्लीन करने, एंड देन मैं आपको अपना अलमीरा दिखाऊंगी क्लीन होने के बाद कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है। सो गाइज, दुर्गा पूजा इज राउंड द कॉर्नर। मम्मी मुझे बार बार कह रही थी कि साड़ी खरीद ले, साड़ी खरीद ले, बट मैंने मम्मी को बोला मेरे पास लाइक लिटरली इतनी साड़ियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज मैं आपको अपनी साड़ी का मिली कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, बिकॉज मैं अब नई साड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं खरीद रही, बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं मेरे पास। मिनी एक कलेक्शन दिखा देती हूँ जो इंटरेस्टेड है उसको। बहुत खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ हैं मेरे पास, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। लाइक इसको तो दुर्गा पूजा में एक बार पहना था। ये सारी बंगाल से हैं, एक से एक साड़ियाँ हैं। ये प्योर सिल्क साड़ी, ये तुम्हारा है ना मम्मी, इसको ले जाओ। नहीं मेरा नहीं है, तुम्हारा ही है। ये मैंने कब लिया था? मेरे पास एक है, तो ये मैंने कर लिया था। ये भी कुछ इंडिगो प्रिंट्स वाली साड़ी है, पहनी थी बट शादी के बाद मैंने पहनी थी। सो दिस इज माय मैरिज का बनारसी साड़ी, यही वो साड़ी है। ये मैं महिमा की शादी में पहनूंगी, बड़ा प्यारा साड़ी है। ये देख रहे हो, ब्रोकेट का साड़ी है, कितना सुंदर ग्रीन कलर का। ये भी बहुत प्यारा साड़ी है, दिस इज अ लिटिल हैवी लेकिन बहुत प्यारा लगता है, एक बार पहना है बस। इसीलिए मैं साड़ी नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि अब तो जब से कोरोना आया उसके बाद से तो पहन के नहीं जाना भी नहीं। इंस्टाग्राम फ्रेंडली वीडियोस और गैंजा टाइप का साड़ी है ये। ओवरऑल मैंने अपनी शादी के बाद पहली होली में इसको पहना था, तो मुझे बहुत पसंद आई वाली साड़ी, भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था मुझे, तो ये पहनना है मुझे, अभी पहना ही नहीं आज तक। बड़ी सुंदर साड़ी है ये भी, मुझसे पूछो तो ये मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है, सबसे ज़्यादा, ये सबसे प्रिटी साड़ी और मेरे पे बहुत अच्छी लगती है। मेरी बॉस हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने बोला था हमेशा कि साड़ी तेरी कितनी सुंदर है, तेरी मम्मी कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाती है। सो गाइस, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत फीवरिश लग रहा है, इसलिए आज का व्लॉग मैं डाल भी नहीं रही हूँ, सॉरी वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज एडिट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। यू गाइस नो आज मेरे को कितना काम भी करना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, सो आई नीड टू मेक स्पेस बहुत सारा, सो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करने की ज़रूरत है। अभी जो है अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे तबीयत बिल्कुल भी, और मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। मेरा मन किया मैगी खाने का, चीट करने का, लाइक मैंने पिछले एक महीने में एक बार भी मैगी नहीं खाया है, और आज मेरा सच में बहुत मन कर रहा है कि मैं मैगी खाऊं, तो इसीलिए मैं मैगी बना रही हूँ अभी, प्लेन बिल्कुल पानी वाला मैगी, लाइक विदाउट एनी यू नो ऑयल वॉयल। इतनी तो खाया, शायद खा भी ना पाऊँ मैं। सो गाइज, मैं अपनी अलमीरा ठीक कर रही थी, एंड देन आई फाउंड आउट दिस ड्रेस जो मैंने अपनी प्री वेडिंग में पहनी थी। ये ड्रेस शीन से थी, एंड आज एग्जैक्टली 3 साल बाद मैं इसको पहन रही हूँ। सब कुछ ठीक है, फिटिंग वगैरह मैं थोड़ी मोटी तो हो ही गई हूँ ऑब्वियसली, बट ये चेन नहीं लग रही पीछे से, एंड बस वही है मोटापा जो है थोड़ा सा। पतली हो जाऊँगी जल्दी मैं वैसे, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस थी। ऑलमोस्ट डन, सारा सुरेश का ब्लॉग चल रहा है, सो ऑलमोस्ट डन, माई लव इज स्लीपिंग हियर। लेट मी शो यू कि कैसे हमने डेकोरेट किया है। सारी साड़ियाँ एंड कुछ सूट्स जो मैं अभी पहनती हूँ वो सारे यहाँ पे रखे हैं आयरन्ड। यहाँ वाला पार्ट मुझे थोड़ा ठीक करना है, इट्स नॉट डन। यहाँ पे मैंने अपने सारे टॉप्स बास्केट में अरेंज करे हैं, नीचे भी कुछ टॉप्स हैं एंड कुछ सूट्स वगैरह है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये इतनी बड़ी अलमारी मेरी है लाइक लिटरली, एंड बगल वाले में भी मैंने अपने सारे नाइस सूट्स ऊपर रखे हैं, एंड देन पैंट्स एंड ऑल इसमें हैं, नीचे सारे मेरे सूट्स हैं। सो ये इतना ही ऑर्गेनाइज हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बट लेट मी शो यू दिस ड्रेस मिरर में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप उस वीडियो में देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, तो वो वीडियो जाके चेकआउट करो मेरी प्री वेडिंग वाली। अब मैं सारा मैस को ठीक करूंगी, क्लीन करूंगी, और उसके बाद आपसे वापस मिलूंगी, बिकॉज इट्स टू मच वर्क टू डू, एंड मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी ठीक नहीं है, तो मैं काफ़ी वीक भी फील कर रही हूँ। थैंक गॉड मैंने अपना कल डिनर बना लिया था, सो मैं एक दिन में 2 दिन का खाना बना लेती हूँ, सो मैं बच गई उस तरीके से। तो सो गाइज, इट्स फाइनली नाइट। कल के व्लॉग बताएंगे ना, बहुत खुश होना तुम।
बैठ के साड़ियाँ देखती रहती हूँ दिन भर, मेरी मॉम से बुटीक वाली साड़ियाँ देखती रहती है और मुझे बोलती रहती है आई लव साड़ीज, अपनी कलेक्शन में ये साड़ी लेनी है, अपनी कलेक्शन में वो साड़ी लेनी है हर दिन। और बीच बीच में हफ्ते में एक बार बोलती है कि इनको ये साड़ी खरीद दो, हफ्ते में नहीं लाइक 10-15 दिन में एक बार बोलती है कि मुझे ये साड़ी खरीद, दो साड़ी बुक हो जाती है। हाँ हाँ, महीने में दो साड़ी तो मेरे को मम्मी को देना ही है, मम्मी का बजट फिक्स रहता है मेरे को कि अभी साड़ी खरीद के देना ही है। चलो भगवान के दया से इतने केपेबल बन गए कि मम्मी की छोटी छोटी विशेस पूरी कर पा रहे हैं। बाय द वे कल इस रूम को और थोड़ा अच्छे से क्लीन करना है, इस रूम में ढेर सारा आशवी का सामान है बट अभी यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनका सामान होगा कल से। तो कल के ब्लॉग में जब हम एयरपोर्ट जाएंगे उनको पिक करने के लिए तो आपको बताऊंगी, अभी बहुत सारे डेली ब्लॉग्स आएंगे बिकॉज अभी घर में इतना मजा आने वाला है। मम्मी मच्छर वाला बंद कर दो, हाँ तो भी घर में इतना मजा आने वाला है आने वाले टाइम में कि डेली व्लॉगिंग आपको बहुत मजा आएगा देखने में। ड्राइंग रूम पूरा मैस हो रखा है, इसको कल ठीक करना है अच्छे से, मतलब काफी हद तक तो मैंने डेकोरेट कर ही लिया है बट बाकी का करना है। एक नाइट सूट हॉल कल शूट करनी है, क्लोविया के साथ कोलैबोरेशन है तो उसमें काफी सारे नाइट सूट आ रखे हैं तो वो मेरे को सूट करना है काफी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, कौन है? आश्वी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस क्योंकि कल की तैयारियों में लगना है और 12:30 बज रहा है अभी भी, इसको दूध पिला के जो है बॉटल्स वॉश करनी और फिर सबको स्टरलाइज होने के लिए देना, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में और कल का ब्लॉग है जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो कल के ब्लॉग में मिलेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, participate in the giveaway and that's it. I will see you in the next time. Till then take care, bye, lots of love, hugs and kisses, stay home, stay healthy, stay safe, I love you all so much, bye bye.